जैसा कि आपने लास्ट पार्ट में देखा था, हम हैं अभी खिरसू से थोड़ा पहले, और यहाँ पे एक बहुत अच्छी जगह हमें दिखी, तो हमने लिया यहाँ पे एक स्टॉपेज। बाकी धूप अच्छी खासी है और यहाँ पे अपनी बाइक खड़ी है, तो यहाँ पे हमने आधे घंटे के आसपास का ब्रेक लिया है, कुछ खाया पिया है, और अभी हम निकलेंगे आगे की जर्नी के लिए। तो एक बार मैं व्यू दिखा देता हूँ यहाँ का। ये है कुछ ऐसा व्यू। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी पहले सब्सक्राइब कर लो। तो अभी निकलते हैं आगे की जर्नी के लिए, और आज हम देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। वैसे देखते हैं जोशीमठ या रुद्रप्रयाग तक, जहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो चलिए चलते हैं। यहाँ से अगर हम लेफ्ट जाएंगे तो जाएगा पौड़ी, और राइट जाएंगे तो जाएगा खिरसू। तो हम जाएंगे खिरसू होते हुए। यहाँ से खिरसू है 13 किलोमीटर, और खिरसू के बाद हम निकलेंगे सीधे रुद्रप्रयाग, या फिर आप चाहें तो सीधे पौड़ी, और पौड़ी से श्रीनगर, और श्रीनगर से रुद्रप्रयाग भी जा सकते हैं। ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, 2-3 किलोमीटर का ही डिफरेंस है। ये घरों का सही है, अपना छत रोड के बराबर रहती है, छत के ऊपर पार्किंग करो आराम से, क्योंकि पहाड़ों में सबसे ज़्यादा दिक्कत पार्किंग की ही होती है। बाकी घाटी का व्यू एकदम शानदार लग रहा है। पूछना, हाँ भैया, खिरसू सीधे। लग रहा है अब खिरसू तक की रोड थोड़ी खराब ही मिलने वाली है। वैसे रोड पे पैचेज लगे हैं, तो इतना ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, वैसे भी हमें चलना वही 30 की स्पीड में ही है। यहाँ पे रुके हुए थे कुछ फोटो सेशन के लिए, और फोटो जो है वो आपको मिलेंगे इंस्टाग्राम आईडी पे, तो इंस्टाग्राम आईडी पे ज़रूर फॉलो करना, यहाँ पे लिंक आ रहा होगा।
क्योंकि ये एरिया बिल्कुल अलग ही है, क्योंकि काफ़ी हरा भरा एरिया है खिरसू वाला जो एरिया है। यहाँ पे फॉरेस्ट बहुत अच्छा है। जब से इस एरिया में आए तब से हल्का हल्का ठंडी हवा फील हो रही है, वरना इतनी देर तो अंदर से उबल रहे थे हम जैकेट के अंदर। तो ये पहुंच गए हम खिरसू। खिरसू काफी सही हिल स्टेशन है, क्योंकि बहुत ज्यादा हाइट पर भी नहीं है। इधर ये जो ऊपर जो रास्ता जा रहा है वो जाएगा खिरसू के अंदर, और नीचे वाला जो है ये जाएगा श्रीनगर। तो ये था खिरसू, काफी डिसेंट सा हिल स्टेशन है। नेचर काफी अच्छा है, इंटरेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम ही लोग हैं जो आते हैं, टूरिस्ट बहुत कम आते हैं खिरसू की साइड में, थोड़ा ऑफ बीट प्लेसेस में आ जाता है। बाकी खिरसू से अभी हम निकल गए हैं रुद्रप्रयाग के लिए। प्लान था खिरसू में रुकने का किसी होम स्टे में, क्योंकि यहाँ पे होम स्टे काफी अच्छे अच्छे हैं, लेकिन अभी टाइम जो है वो 4:45 हुए हैं, तो हमारे पास टाइम है, तो कल इजी हो जाएगा रास्ता, तो इसलिए पहुंचते हैं आगे रुद्रप्रयाग तक। लगभग 1.5 से 2 घंटे तो हमें रुद्रप्रयाग में लग ही जाएंगे पहुंचने में। हमें इधर से पूरा घूम के इधर से नीचे आना है, जो सामने रोड दिख रही है नीचे, उस रोड से हमें जाना है। तो इसके लिए पूरा हमें इधर से घूम के उतर के आना पड़ेगा नीचे। हम आए उधर से, सामने से ऊपर से। हम आ गए थे थोड़ा सा गलत रास्ते पे, क्योंकि ये भी रास्ता जाएगा रुद्रप्रयाग, बट ये श्रीनगर होते हुए जाएगा, और हमें निकलना है सीधा रुद्रप्रयाग। तो अंकल ने बताया अभी शॉर्ट रास्ता, तो उधर से निकलते हैं। यहाँ से हमने लिया था यू टर्न, तब निकलते हैं सीधे।
यहाँ एक बार पूछ लेते हैं भैया। रुद्रप्रयाग निकलना था, यही शॉर्ट पड़ेगा ना। ओके ओके थैंक यू भैया। चलो कंफर्म कर लिया है, लेकिन जो रोड वो वाली जो थी जिससे अभी हम छोड़ के आए श्रीनगर वाली, वो रोड बहुत प्यारी थी और इस रोड ने तो अपना रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन ठीक है, हमारे लिए शॉर्ट होना चाहिए रास्ता, टाइम बचना चाहिए। रोड तो ये भी ठीक ही है, थोड़ा ऑफ रोड हो जाएगा। यह एक छोटा सा टाउन, यहाँ पे लोग कुछ कर रहे हैं पता नहीं क्या। घरों का कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है और सामने जो माउंटेन्स की लेयर हैं एक के ऊपर से एक, वो तो अलग ही नज़ारा है। हो सकता है कि सामने सूरज है तो कैमरे में ना आ रहा हो ढंग से। लेकिन बहुत प्यारा गांव है। क्या नजारा है यार सामने का, बादलों का हल्का सा धुंध जैसा, हल्का सा कोहरा जैसा लग रहा है, हल्का सा फोग जैसा लग रहा है, इसलिए ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहे। अरे रास्ते ने तो वाट लगा रखी है। अभी तो 39 किलोमीटर और बचा है सही रास्ता। ये तो अच्छी खासी ऑफ रोड, अच्छा खासा ऑफ रोड और एडवेंचर हो गया। हाँ लेकिन एक बात था कि कलर्स बहुत प्यारे देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। पिछले एक घंटे से इस रास्ते पर चलते हुए ना कोई चाय की दुकान मिल रही है ना कुछ और। यार अब एडवेंचर है ना काफी हो गया है। घाटी बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत मस्त रास्ता है, लेकिन यार मुझे लगता है कि इस रास्ते से कोई बाइकर्स वगैरह आते ही नहीं होंगे, क्योंकि जो भी लोग छोटे छोटे गांव आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, वो सब ऐसे देख रहे हैं जैसे पहली बार उन्होंने देखा हो किसी बाइकर को। अब रुद्रप्रयाग पहुंचने से पहले हमारा मिशन है चाय की दुकान ढूंढना, जो हमें नहीं मिल रही है काफ़ी देर से।
तो ये हमारा जो एडवेंचर वाला रास्ता था, इसको तो फाइनली हमारे एडवेंचर वाले रास्ते को छोड़ने का टाइम आ गया है। और अभी हम ये सामने है NH7 जो बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे है, तो यहाँ से हमें इस हाईवे पर जुड़ना है। यहाँ से हमने राइट लेंगे रुद्रप्रयाग के लिए, अगर लेफ्ट लेंगे तो चला जाएगा श्रीनगर ऋषिकेश की साइड में। ये एक बेहतरीन सा वाटरफॉल, और ये हमारे लेफ्ट साइड में है अलकनंदा नदी, लेकिन पानी इसमें है ही नहीं, बिल्कुल सूखी पड़ी है। ये कुछ ब्रिज वगैरह का भी काम चल रहा है यहाँ पे। ओके, इधर से डायरेक्ट शायद ये ब्रिज से जुड़ेगा। ये इधर पहाड़ों को पूरा सीमेंट से पैक किया हुआ है जिससे कि लैंडस्लाइड ना हो। ये है डंपिंग जोन, जो भी क्रशर निकलता है पहाड़ काटने पे उसको डंप करते हैं यहाँ पर। सनसेट हो चुका है और सामने जो क्लाउड्स हैं वो बहुत प्यारे लग रहे हैं। अभी थोड़ी देर में अंधेरा भी हो ही जाएगा और हम भी रुद्रप्रयाग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। जो सामने दिख रहा है वही है रुद्रप्रयाग, वैसे मेन सिटी यहाँ से 4 किलोमीटर है अभी, तो वही करीब हमें 8 से 10 मिनट अभी लगेंगी।
तो टाइम लगभग 8 सवा 8 हो गए हैं और हमने होटल ले लिया है रुद्रप्रयाग से लगभग 10 किलोमीटर आगे, जिससे कि कल हमें आगे जाने में इजी हो। तो अभी के लिए आज के डे को फिनिश करते हैं यहीं पे और कल आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। टिल देन बाय बाय।